कॉन्ट्रैक्टर बैठ रहे हैं, मैंने उसको टोली लगा रखी। अच्छा, यही खाना, यही पीना, यही रहना। तो गाँव से तो काफी लोग आए होंगे? बहुत लोग आए जी। अच्छा, 20 ट्रैक्टर आए जी हमारे गाँव से। नमस्कार, आप देख रहे हैं SPN 9 न्यूज और मैं हूं आपके साथ आयुषी श्रीवास्तव। सोशल मीडिया पर तथाकथित किसान और उसके दोस्त के बीच टेलीफोन पर हुई बातचीत का एक ऑडियो वायरल हो रहा है। इस बातचीत में और आंदोलन में शामिल किसान का मानना है कि ये किसानों का विरोध परियोजित है, लेकिन ये वीडियो और ऑडियो सुनाए इससे पहले हम आपको बता दें कि इस खबर के माध्यम से हम ना तो किसी किसान का विरोध करते हैं और ना ही किसान आंदोलन का। हम विरोध करते हैं उनका जो किसान आंदोलन की आड़ में देश में अराजकता फैला रहे हैं, जो किसान के भेष में आतंकी छिपे हैं, जिन्होंने 26 जनवरी के दिन देश की राजधानी में इतना उत्पात मचाया कि देश भर में तनाव का माहौल खड़ा कर दिया। हम विरोध करते हैं उन लोगों का जो किसानों के लीडर बने हैं और किसानों के हित की जगह अपनी चुनावी रोटियां सेक रहे हैं। जब किसान आंदोलन की आड़ में शर्जिल इमान और उमर खालिद जैसे देशद्रोहियों को रिहा करने की मांग उठने लगती है, ऐसे कई सबूत मिल चुके हैं जिसमें यह साफ तौर पर देखा जा सकता है कि किसान आंदोलन को कट्टरपंथी और वामपंथियों की ओर से हाईजैक किया गया है। अब हम आज की खबर की तरफ आपको ले चलते हैं। आपने कई जगहों पर यह सुना होगा कि किसान आंदोलन में मौजूद किसान बड़े ही ऐशो आराम की जिंदगी जी रहे हैं, जिसमें उन्हें खाने के लिए पिज्जा बर्गर से लेकर हर दिन पैसे दिए जाते हैं। हालांकि अभी तक इस बारे में कोई सबूत नहीं मिल पाए हैं, लेकिन आज हमारे हाथ एक ऐसा सबूत और एक ऐसा ऑडियो लगा है जिसे देख आपकी नजरों में किसान आंदोलन की असल सच्चाई आपके सामने आ जाएगी। तो चलिए अब आपको उस सबूत से रूबरू कराते हैं। दरअसल कुछ दिनों पहले से सोशल मीडिया पर तथाकथित किसान और उसके दोस्त के बीच टेलीफोन पर हुई बातचीत का ऑडियो वायरल हो रहा है। इस बातचीत में आंदोलन में शामिल किसान का मानना है कि ये किसानों का विरोध परियोजित है। वो स्वीकार करता है कि गाजीपुर सीमा पर हो रहे प्रदर्शन में शामिल होने के लिए उसे अच्छा खासा पैसा और खाने पीने का सामान दिया जा रहा है। आपको बता दें ये ऑडियो रिकॉर्डिंग बीजेपी के प्रवक्ता नीतू दबास द्वारा साझा की गई थी। आइए आपको सुनाते हैं पहले ये ऑडियो क्लिप और फिर जानते हैं इसकी हकीकत क्या है। अच्छा, यही खाना, यही पीना, यही रहना। तो गाँव से तो काफी लोग आए होंगे? बहुत लोग आए जी। अच्छा, 20 ट्रैक्टर आए जी हमारे गाँव से। 20? बहुत, हर गाँव से ट्रैक्टर, हर गाँव से ट्रैक्टर है। लड़ाई वड़ाई के चांस बन रहे हैं वहाँ पे गाजीपुर में? फरीदाबाद तो हो रहा है। हाँ जी, हाँ वही है, लट तोड़ दी जी पुलिस तो, अगर कहाँ जानते रहे। हाँ हम तो पीछे हैं जी, हम ना आगे बढ़ रहे बिल्कुल भी, हम क्या डंडे का अंडा खा रहे किसी का। बातों में फायदा नहीं भाई, सही बात है जो जाता। अब एक बार बताओ, सरकार भी भाई सही कर रही है, पर यह है कि मान नहीं रहे ना इस चीज को। हाँ भाई, सरकार भी गलत नहीं सोच रही, सरकार भी ठीक सोच रही है, इनकी समझ में नहीं आ रही। पर अभी वो तो है, जैसा है जब लट टूटता है ना। भाजपा सरकार इतनी बढ़िया रही है, इतनी बढ़िया रही है, बहुत बढ़िया। इनकी सालों की समझ में नहीं आ रही किसी की। फिर आप सपोर्ट किस लिए कर रहे हो फिर? कौन, हम तो आगे थे, मजे में आगे थे, हम तो घूमने। हमारे तो पार्टी आई रात को, दारू मारा है जी। अच्छा, बाहर तो क्या हमारे लिए तो तरीके से। अच्छा, और दिन में हम अपने लोटे मारा है जी, मजे से पैसे भी आवे। बताओ, जब पैसे मिल रहे तो फायदा तो उठा मैं, नहीं उठा मैं। हजार में मिलता सर? हाँ, इतने दो तीन हजार रूपए मिल जा। हाँ मजे आ रहा जी, पूरा दारू बारू का खर्चा आराम से निकल रहा। और क्या चाहिए, हमें तो यही चाहिए, मजे लेने वाली। सही बात है, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, मजे लेने वाली पब्लिक है। हाँ वो तो कह रहा है, सही है। और क्या यार, नहीं जी, अब एक बार बताओ, हम क्या यहाँ विरोध करना है? हम तो भाजपा के बढ़िया आदमी है, हम भाजपा। चलो कोई ना, आना बढ़िया। हमारे यहाँ तो ठीक है, हमारे यहाँ तो योगी जी बैठे हैं, योगी जी हमें तो बढ़िया काम कर रहे हैं, हमें क्या दिक्कत है? सही बात है, और क्या होता है। या नहीं जी, बिल्कुल बिल्कुल, पर यो है मजे में कमी नहीं आनी, मजा ले रहे पूरा। चलो कोई नहीं, करना भी चाहिए। ठीक है, हमारा यही सही है। ठीक है ठीक है ठीक है। तो आपने सुना ये ऑडियो क्लिप ने ये साफ सुन सकते हैं कि बातचीत के दौरान किसान बॉर्डर पर उनके लिए की गई व्यवस्था से काफी खुश दिखाई दे रहे हैं। जहां किसान आंदोलनकारी पिछले 2 महीनों से डेरा डाले हुए हैं, वो अपने दोस्त को बताते हैं कि यहां पूरा माहौल एक पार्टी की तरह है। दिन के समय उन्हें 2000 से 3000 रुपए के बीच में भुगतान किया जाता है और रात में उन्हें मुफ्त शराब
की बोतलें दी जाती है। आप किसान को ये कहते भी सुन सकते हैं कि हम तो आ गए थे घूमने, मजा आ रहा है पूरा, यही खाना यही पीना और यही रहना। किसान अपने दोस्त को बताता है कि विरोध में शामिल होने के लिए उसके गाँव से लगभग 20 ट्रैक्टर आए। बातचीत से प्रतीत होता है कि इन लोगों को विरोध प्रदर्शन के लिए अपना खाली समय देने के लिए प्रोत्साहित किया गया है। वही जब उसके दोस्त पूछता है उससे कि क्या फरीदाबाद की ही तरह गाजीपुर बॉर्डर पर भी हिंसा की संभावनाएं हैं, तो किसान कहता है हाँ। इसके अलावा किसानों को मोदी सरकार से और इससे पारित किए गए नए कृषि कानून को बढ़ाई करते हुए सुना जा सकता है। आपको बता दें, किसान का कहना है कि सरकार सही काम कर रही है और नए कृषि कानून में कुछ भी गलत नहीं है, जिसके खिलाफ किसानों ने अपने विरोध को तब तक जारी रखा जब तक षड्यंत्र संकल्प व्यक्त किया गया, जब तक कि उन्हें निरस्त नहीं किया जाता। आपको बता दें, सोशल मीडिया पर वायरल 2 मिनट की बातचीत के दौरान वो अपने दोस्त से कहता है कि भाजपा सरकार का काम काफी अच्छा रहा है, लेकिन ये बेवकूफ इसे समझ नहीं पा रहे हैं। अब गौर करने वाली बात यह है कि गणतंत्र दिवस के मौके पर सैकड़ों दंगाइयों ने ट्रैक्टर रैली के लिए निर्धारित समय से पहले दिल्ली की सीमा पर चढ़ाई कर दी और हद तो तब हो गई जब ये पुलिस के साथ बर्बरता करते हुए जबरन लाल किले के अंदर घुस गए, जिसके बाद पुलिस वालों पर हमला कर दंगाई भीड़ ने लाल किला की घेराबंदी की और ऐतिहासिक स्मारक पर धार्मिक खालसा निशान का झंडा फहरा दिया। तो वही हिंसा के तुरंत बाद सोशल मीडिया पर एक ऑडियो भी सामने आया और एक वीडियो भी, जिसमें तथाकथित किसान को एक ट्रॉली विदेशी दारू और उसके साथ खाने पीने के अन्य सामानों से भरी दिखी चीजें भी दिखाई दे रही हैं। वहीं जब पुलिस अधिकारियों ने उन्हें रोकने की कोशिश की तो उन्होंने पुलिस अधिकारियों पर ही लाठी चार्ज कर दी और पत्थरों से हमला बोल दिया। अब इन तमाम सबूतों ने इस आंदोलन और किसानों के भेष में छिपे भेड़ियों का असली चेहरा आपको साफ तौर पर दिखा दिया है। बाकी इस खबर पर आपकी क्या राय है हमें कॉमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। अगर आपको ये खबर पसंद आई हो तो उसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। बहुत लोग आए जी। अच्छा, 20 ट्रैक्टर आए जी हमारे गाँव से। 20? बहुत, हर गाँव से ट्रैक्टर है। लड़ाई वड़ाई के चांस बन रहे हैं वहाँ पे गाजीपुर में। फरीदाबाद तो हो रहा है। हाँ जी, हाँ वही है, लट तोड़ दी जी पुलिस तो, अगर कहाँ जानते रहे। हाँ हम तो पीछे हैं जी, हम ना आगे बढ़ रहे बिल्कुल भी। हम क्या डंडे का अंडा खा रहे किसी का, बातों का फायदा नहीं भाई। सही बात है जो जाता। अब एक बार बताओ, सरकार भी भाई सही कर रही है, पर यो है कि ये मान नहीं रहे ना इस चीज को। हाँ भाई, सरकार भी गलत नहीं सोच रही, सरकार भी ठीक सोच रही है, इनकी समझ में नहीं आ रही। पर अभी वो तो है, जैसा है जब लट टूटा है ना। भाजपा सरकार इतनी बढ़िया रही है, इतनी बढ़िया रही है, बहुत बढ़िया। इनकी सालों की समझ में नहीं आ रही किसी की। फिर आप सपोर्ट किस लिए कर रहे हो फिर? कौन, हम तो आ गए थे मजे में, आ गए थे हम तो घूमने। हमारे तो पार्टी आई रात को, दारू मारा है जी। अच्छा, बाहर से आया हमारे लिए तो तरीके से। अच्छा, और दिन में हम अपने लोटे मारा है वही मजे से, पैसे भी आवा है। तो बताओ, जब पैसे मिल रहे तो फायदा तो उठा नहीं उठा मैं। हजार रुपए मिलते हजार? हाँ, इतने दो तीन हजार रुपए मिल जाए। हाँ मजा आ रहा जी पूरा, दारू बारू का खर्चा आराम से निकल रहा। और क्या चाहिए, हमें तो यही चाहिए। मजे लेने वाली सही बात है, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, मजे लेने वाली पब्लिक है। हाँ वो तो क्या है, ये सही है। और क्या या नहीं जी, अब एक बताओ, हम क्या यहाँ विरोध करना है? हम तो भाजपा के बढ़िया आदमी है, हम भाजपा। चलो कोई ना, आना बढ़िया। हमारे यहाँ तो ठीक है, हमारे यहाँ तो योगी जी बैठे हैं, योगी जी हमें तो बढ़िया काम कर रहे हैं, हमें क्या दिक्कत है? सही बात है, और क्या होता है। या नहीं जी, बिल्कुल बिल्कुल, पर यो है मजे में कमी नहीं आनी, मजा ले रहे पूरा। चलो कोई नहीं, करना भी चाहिए। ठीक है, सही है, ठीक है ठीक है ठीक है।